जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कई बार कई एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चनों को अलग अलग सीमांती है गाइड में कुछ का आंसर अलग दिया होता है तथा कुछ का अलग दिया होता है। तो हमें जो एग्जाम हम दे रहे हैं उसने कौन से आंसर सही माने किस क्वेश्चनों के, तो ये हम तो यस के क्वेश्चनों को देख कर बता सकते हैं। तो आपके साथ ये पहल शुरू की गई है, इससे पहले 19 वीडियो हो चुके हैं, ये 20वां वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में 20 से 30 क्वेश्चन आपके साथ सोल्व किए जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहे, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल के आविष्कार का क्या नाम है। तो ईमेल के आविष्कार किसने किया था, तो शिवा अय्यादुरई ने इसका आविष्कार किया है। शिवा अय्यादुरई, दुरई नाम का वैज्ञानिक था, तो इसने इसका आविष्कार किया था ईमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ग्रुप डी एनटीपीसी ऑफ सभी के लिए सही है दोस्तों, कि भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, उसमें किस गैस के कारण ये इतना बड़ा कांड हुआ था, तो कौन सी गैस थी उसमें, तो मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस थी दोस्तों उसमें मिसाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगा सकता है, यानी कौन आरोपित कर सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को, तो राष्ट्रपति आपातकाल को लागू कर सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी के लिए तो बहुत, एसएससी जीडीओ एसएससी कांस्टेबल, यानी कि एसएससी के लिए तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये फेवरेट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दोस्तों आप नोट कर सकते हो कि इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में स्वतंत्रता की प्रतिमा स्थित है अमेरिका में। अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम रहा है दोस्तों, इंग्लैंड का गुलाम रहा था, इंग्लैंड की स्वतंत्रता के बाद इंग्लैंड ने जब अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया तो उसके बाद स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाई गई अमेरिका में। कि यूरोप संघ, यानी यूरोप में जितने भी दो देश होते हैं उनका एक संघ होता है यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो यूरो है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वयस्क मनुष्य में या वयस्क मानवों में कितनी लंबी होती है आपकी पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र की लंबाई 30 फीट होती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 फीट पाचन तंत्र की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों गूगल की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी गूगल की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट इसकी स्थापना कब हुई, तो 1975 में इसकी स्थापना की, अर्थात 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट ऑफ इंडिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ, स्मार्ट ऑफ इंडिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 2016 में इसकी स्थापना की गई, स्मार्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय अर्धसैनिक बल, भारतीय अर्धसैनिक बल अर्थात PMF, इसकी शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों PMF, तो PMF की स्थापना कब की, इसके प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, अर्थात महानिदेशक, भारतीय अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक DG बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, इसका नाम था दोस्तों अर्चना राम सुंदरम प्रथम DG थी दोस्तों, भारतीय अर्धसैनिक बलों की प्रथम DG महिला अर्चना राम सुंदरम बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संसद का निर्माण कब किया गया, अतः जो भारतीय संसद है दिल्ली में स्थित भारतीय संसद, तो उसकी स्थापना कब की गई, अतः तो उसे कब निर्माण किया गया और कब बनाया गया, तो 1927 में ये बनकर तैयार हुआ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1927 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेफ्रॉन किससे संबंधित रखता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट किडनी से संबंधित रखता है नेफ्रॉन,
दोस्तों किडनी की संरचनात्मक क्या कहे नेफ्रोन इसमें का वृक्क या जो फेफड़े होते हैं उसकी संरचनात्मक क्या होती है कूपिकाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि फेफड़ों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाती है, फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाती है कूपिकाएं, जबकि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रोन। इसी प्रकार शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का रंग लाल होता है, तो मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के किस प्रकार हटाया जा सकता है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको किस प्रकार से अपने पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के दो तिहाई बहुमत के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। यदि संसद के दो तिहाई बहुमत में आ जाए कि एक अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाए तो संसद के दो तिहाई बहुमत के द्वारा संसद से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंदूक का आविष्कार रिचर्ड गेटलिंग ने किया, रिचर्ड गेटलिंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि फॉर्मेट पेन का आविष्कार फाउंडर पेन का आविष्कार किसने किया, तो वाटरमैन ने फॉर्मेट पेन का आविष्कार किया। दोस्तों अंतरिक्ष में लिखने का काम आता है फॉर्मेट पेन, फाउंडर पेन वाटसन ने इसका आविष्कार किया था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके।